ये है हमारा आरू का पेड़, और ये देखिए इसमें जो है आरू आ रखे हैं, लेकिन अभी जो है पक, थोड़ी बहुत चूल्हे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और कुछ मैंने जेब में रखे हैं। ये देखिए, ये मैं अभी यहाँ पे आ रखा हूँ हूण देवता के मंदिर के पास, और पहले जो ये ही बनाया था ये चौकला टाइप का, ये तोड़ दिया है, ये मैंने अभी सारे तोड़ के रखे, ये है इसके छिलके, इसको बोलते हैं चूलड़ी, और ये बहुत टेस्टी होती है उसकी चटनी। और उसके जो बीज हैं उसके बीज को जो है सुखाएंगे अभी, उसके बाद उसको फोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका पहाड़ी वाले लोग यूके वाले चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण नौटियाल और मेरे गांव का नाम है मिसर गांव, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धनारी क्षेत्र में पड़ता है। तो दोस्तों मौसम की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं चमचमाती हुई धूप लग रखी है, और आसमान में जो है हल्के फुल्के बादल भी देखने को मिल रहे हैं। आजकल बारिश भी नहीं हो रही है तो गर्मी जो है स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कल परसों से दो चार दिन से जो है कड़ाकेदार धूप लग रही है। तो बीच में धूप लग रही थी तो शाम को जो है बारिश हो रही थी, तो उस वजह से जो है ठंडा हो रहा था। तो आजकल जो है चार पाँच दिन से बारिश भी नहीं हुई तो गर्मी होने लग गई है। तो फिलहाल मैं अभी घर पे हूँ, और माँ जा रखी है खेत में गुड़ाई करने के लिए, और पिताजी जा रखे हैं पिपली की साइड। तो अभी तक मैंने नाश्ता पानी किया, और माँ ने बोला था कि खाना बना के रखना, तो खाना बना के भी मैंने तैयार कर दिया है, और अभी मेरी तैयारी है चूल्हे के लिए जाने की। और चूल्हा जो है हमारा घर के पीछे ही चूल्हे का पेड़ है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ चूल्हे के लिए। परसों में जा रहा था काफल के लिए, और आज मैं जा रहा हूँ चूल्हे के लिए, क्योंकि चूल्हे भी आजकल पक गए हैं, तो मैं आपको लेके जाता हूँ चूल्हे के लिए। चलो मैं पहुँच गया हूँ अभी अपने घर के ऊपर, और यहाँ पर जो है हमारा आरू का पेड़ भी है, तो आरू तो लग रखे हैं लेकिन पक नहीं रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा आरू का पेड़, और ये देखिए इसमें जो है आरू आ रखे हैं लेकिन अभी जो है पक नहीं रखे। ये देखिए, ये लग रखे हैं आरू, और अभी ये पके हुए नहीं है। तो चलो इनको रहने देते हैं और चूल्हे के लिए चलते हैं ऊपर। और ये है हमारे चूल्हे के पेड़, एक ये है और एक ये है, तो दिखाई तो नहीं दे रहे उस पर चूल्हे, शायद इस बार आ रखे या नहीं आ रखे, आ रखे भी होंगे तो जड़ गए होंगे। चलो वहीं पे चलते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने चूल्हे के पेड़ पे, तो इसमें जो है चूल्हे लग रखे हैं लेकिन हल्के फुल्के आ रखे हैं, इस बार जो है चूल्हे आए नहीं। तो चलो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये है चूल्हे का पेड़, और इसमें जो है घास भी लगा रखा है, और ये देखिए ये दिख रहे होंगे आपको हल्के फुलके जो है आ रखे हैं। मैं जूम करता हूँ, ये देखिए ये हल्के फुलके जो है इसमें चूल्हे आ रखे हैं, ये देखिए कुछ आ रखे हैं इसमें, इस बार जो है कमी आ रखे हैं चूल्हे, यहीं पे आ रखे थोड़ा बहुत, ये देखिए तो कुछ झड़ भी रखे हैं। तो चलो इकट्ठा करता हूँ मैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। थोड़ी बहुत चूल्हे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और कुछ मैंने जेब में रखे हैं, तो इस बार जो है चूल्हे कमी आ रखे हैं, तो हल्के फुल्के जड़ रखे थे और कुछ मैंने जाड़े, तो थोड़ा बहुत मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो चलो यहाँ पे जो है मंदिर भी बन रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं इधर ये मकान के पीछे जो है यहाँ पे हूण देवता का मंदिर है, तो वहाँ पर जो है मंदिर निर्माण भी चल रहा है आजकल, कल परसों से जो है वहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है। तो चलो मैं वहाँ पे भी आपको लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस प्रकार जो है मंदिर का कार्य चल रहा है। मैं आ गया हूँ अभी हूण देवता के करीब पे, और यहीं पे जो है मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे तो मंदिर तो नहीं बना रखा था, पहले यही था, तो ये तोड़ दिया इन्होंने, और उसके बाद जो है अब यहाँ पर नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, कार्य चल रहा है। तो चलो मैं एक बार बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि क्या क्या काम यहाँ पे हो रखा है चार पाँच दिन के अंदर। ये देखिए, ये मैं अभी यहाँ पे आ रखा हूँ हूण देवता के मंदिर के पास, और पहले जो ये ही बनाया था ये चौकला टाइप का, ये तोड़ दिया है, इसको जो है पूरा तोड़ रहे हैं, उसके बाद में जो है नया मंदिर का निर्माण होगा। और ये देखिए आगे से जगह है मंदिर की, और यहाँ तक, तो यहाँ से जो है बाउंड्री दे रखी थी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ तक
ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ऊपर, यहाँ से ऊपर जो है यहाँ आगे तक, यहाँ तक जो है चाचा जी और उन्होंने मंदिर के लिए जगह दान की है 7 हाथ। तो ये भी बड़ी बात है, चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मंदिर के लिए 7 हाथ जगह दी। तो देखते हैं अभी जो है कहाँ तक मंदिर का निर्माण होता, कहाँ तक कार्य चलता है और बन के जो है कब तक तैयार होता है। तो ये है यहाँ पे हमारा हूण देवता का मंदिर, तो यहाँ पे बना नहीं था लेकिन अब जो है मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। ऊपर से आ गया हूँ मैं अभी घर पे और ये मैंने चूल्हे लाए हैं और इसका जो है अभी कुछ चटनी बनाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ जो है सुखा के चूल्हड़ी बनाएंगे और इसके जो बीज होते हैं वो भी काम आते हैं, उनको सुखा के जो है फोड़ के जो है उसके जो बीज होते हैं उसका बीज का जो है उखलियारे में कूटा जाता है ओखली में और उसके बाद में जो है उसका तेल निकाला जाता है और उसका जो और बचता है उसको बोलते हैं पीना, तो पीना भी खाने के काम आता है। तो मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में पूरी जानकारी। तो चलो अभी माँ भी आ गई है खेत से और माँ ने भी कुछ चूल्हे लेके आए अपने साथ। हमारा जो है एक पेड़ जो है उधर भी है ऊपर जहाँ हमारी छान है, तो माँ ने वहाँ से भी लेके आए कुछ चूल्हे, तो काफ़ी सारे चूल्हे हो गए। अभी पहले खाना खाते हैं उसके बाद में इनको उंचेंगे, उंचेंगे बोले तो जो उसका पार का छिलका है उसको अलग रखेंगे, उसके जो बीज हैं उसको अलग रखेंगे। तो चलो पहले सबसे पहले खाना खाते हैं उसके बाद में इस काम को करते हैं। अभी मेरा खाना पीना भी हो गया है और खाना पीना खा के मैंने जो माँ ने चूल्हे ला रखे थे वो तोड़े, उसके जो छिगल है वो अलग रखे और उसके जो बीज है वो अलग रखे, तो काफ़ी सारे थे वो, कुछ माँ ने तोड़े कुछ मैंने तोड़े। तो अभी जो है मौसम भी ख़राब हो गया है, तो ये देखिए ये मैंने अभी सारे तोड़ के रखे, ये है इसके छिलके, इसको बोलते हैं चूल्हड़ी और ये उसके बीज है, इस बीज को भी अभी फोड़ा जाएगा, इसके अंदर का बीज निकलेगा, उसको जो है उखलियारे या ओखली पे या चक्की पे कूट के उसका तेल निकालेंगे। तो ये मैंने अभी सारे तोड़े और ये है उसके बीज। ये चूल्हे जो है हमारे काफ़ी काम आते हैं, जैसे अभी कच्चे हैं तो अभी हमने खा लिए हैं, जितने खा लिए वो ठीक है, अभी जितने बच रखे थे वो मैंने तोड़ के रख दिए हैं और उसके बाद में उसको सुखाएंगे चूल्हड़ी को, और उसके बाद में जो है जैसे बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं वो, जैसे चटनी बनाएंगे तो चटनी के साथ साथ में दो दो तीन तीन टुकड़े डालते रहेंगे ताकि खट्टा होता है, बहुत टेस्टी होती है उसकी चटनी। और उसके जो बीज हैं उसके बीज को जो है सुखाएंगे, अभी उसके बाद उसको फोड़ेंगे, फोड़ के उसके अंदर का जो बीज रहता है उस बीज को इकट्ठा करेंगे, फिर चक्की पे या ओखली पे कूटेंगे उसको, उसके बाद में उसका तेल निकलता है और उसका पिन्ना भी निकलता है, तो पिन्ना भी खाते हैं और तेल को जो है इकट्ठा करते हैं और तेल भी काफ़ी काम आता है, जैसे कि हाथ पैर में किसी का दर्द होता है तो वो तेल लगाते हैं और खाने में वही उसे यूज़ करते हैं, बहुत टेस्टी होता है वो तेल। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग को लंबा नहीं खींचेंगे। ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।